उत्तर प्रदेश बीजेपी की बैठक में 2024 के चुनावों को लेकर मंथन हुआ। बैठक में यूपी बीजेपी कार्यकारिणी के नेता शामिल हुए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है वाला नारा अब वैश्विक हो गया है। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने की। इस मीटिंग में बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए लक्ष्य निर्धारित किए। बीजेपी ने 2024 में यूपी की सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। अकेले भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जो कहती है नेशन फर्स्ट, देश पहले, दल का हित उसके बाद, मेरा हित सबसे पीछे, अकेले भारतीय जनता पार्टी है। समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरित पर आपत्तिजनक बयान देकर नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। बयान के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य अकेले पड़ गए हैं। समाजवादी पार्टी ने इस मामले में अभी तक चुप्पी साधी हुई है। इधर बीजेपी ने रामचरितमानस के बहाने अखिलेश यादव को निशाने पर लिया है। बीजेपी नेताओं ने एक सुर में स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की निंदा की। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि इस तरह का बयान कोई विक्षिप्त व्यक्ति ही दे सकता है। समाजवादी ने हमेशा हिंदुओं के त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया है। इस तरह का बयान कोई विक्षिप्त आदमी ही दे सकता है, और ये समाजवादी पार्टी को तय करना है कि उनका बयान है या पार्टी का बयान है। बाबा बागेश्वर पर विरोध और समर्थन की आवाजें लगातार उठ रही हैं। गिरिराज सिंह समेत कई बीजेपी नेता सीधे तौर पर धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस की ओर से विरोध किया जा रहा है। प्रयागराज के संतों में भी बाबा बागेश्वर को लेकर एक मत नहीं है। संतों ने कहा है कि वो जल्द ही संगम क्षेत्र में एक बैठक करेंगे, उसके बाद आगे की रणनीति तय होगी। ज्यादातर संत बाबा बागेश्वर के पाखंड के समर्थन में नहीं है। दिल्ली में आज बीजेपी के कपिल मिश्रा ने बागेश्वर बाबा के समर्थन में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर में हुए सीरियल ब्लास्ट से सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर जाकर मौके का निरीक्षण किया और साक्ष्य इकट्ठा किए। उधर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अधिकारियों संग हाई लेवल बैठक करके स्थिति को समझा। इस बीच कांग्रेस की ओर से जयराम रमेश ने आशंका जताई है कि ये धमाका राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए तो नहीं कराए जा रहे हैं। जयराम रमेश ने कहा है कि हमारे लिए राहुल गांधी की सुरक्षा सबसे पहले है। हमें विश्वास है कि अब तक जो हमें सहयोग मिला है प्रशासन से, खास तौर से यहाँ के LG से, उनके सलाहकारों से, सुरक्षा बलों से, वो बरकरार रहेगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर उपराज्यपाल पर तीखा हमला किया है। केजरीवाल ने गवर्नर को सामंतवादी घोषित कर दिया है। इससे पहले विधानसभा सत्र के दौरान भी केजरीवाल ने अपना गुस्सा राज्यपाल पर निकाला था। दरअसल दिल्ली सरकार अध्यापकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजना चाहती थी। उपराज्यपाल इसकी इजाजत नहीं दे रहे हैं और इसी बात से केजरीवाल और LG में ठनी है। LG साहब से मेरी अपील है, मेरा निवेदन है, आज के जितने एक्सपीरियंसेस हैं, अगर वो भी सुनते तो उनको गर्व होता कि वो उस दिल्ली के उपराज्यपाल हैं जिस दिल्ली ने शिक्षा के क्षेत्र में इतनी बड़ी क्रांति की है। तो आज के वीडियोस जो हैं मैं उन्हें टैग करके अभी सारे भेजूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि इसके बाद जो है LG साहब उस फाइल को नहीं रोकेंगे। JDU के उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी से नजदीकियों को लेकर चुप्पी तोड़ी है। उपेंद्र ने कहा कि ये बात सही है कि जब मैं दिल्ली में इलाज करवा रहा था तो कई बीजेपी के नेता मुझसे मिलने आए थे, लेकिन बीमारी के दौरान हालचाल पूछने के लिए हुई मीटिंग को राजनीतिक रंग देंगे तो फिर पार्टी के बड़े नेता तो हमेशा बीजेपी नेताओं से मिलते रहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने आरोप लगाया कि कुछ लोग JDU को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि उपेंद्र कई बार पार्टी बदल चुके हैं। बिहार के सीवान में 3 लोगों की अचानक मौत से मामला गर्मा गया है। रात 10 लोगों की तबियत बिगड़ने के बाद सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान 3 की मौत हो गई। आशंका है कि जहरीली शराब से इन लोगों की मौत हुई है। 7 लोगों की हालत अभी गंभीर बने हुए हैं। हालांकि पुलिस इस मामले में कुछ भी खुलकर नहीं बोल रहे हैं। पत्रकारों को अस्पताल के अंदर से बाहर निकाल दिया गया था। पुलिस पर लीपापोती के आरोप है। इससे पहले छपरा शराब कांड में 70 से ज्यादा लोगों की मौत बिहार में हो चुकी है।